पुणे जा रहे हैं एग्जाम एग्जाम रिलेटेड। ये है मेरे साथ गति, और ये है मेरे साथ ये मेरे दोस्त है। हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नाम है NHPC, जो नेशनल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिकल समथिंग है, अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल है कुछ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यस कॉरपोरेशन, यस दैट करेक्ट वर्ड। तो बहुत जंबल हो चुका है, कभी ट्रेन नहीं मिली तो कभी टिकट, तो कभी ट्रेन को पता चला कि ये क्या कहते हैं जनरल के डब्बे है ही नहीं। अभी दिल्ली को भी एक एग्ज़ाम डी डी ए की, तो वहाँ पे उन्होंने हमें टिकट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं हो रही, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही चालू है। हाँ देखते हैं अभी वहाँ पे जाएंगे पुणे पहले। फिलहाल अभी मैं ट्रेन में हूँ और माहौल काफ़ी ख़राब है हमारा, अभी खाना साथ में लाए नहीं क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं। शायद मेरा आवाज़ भी नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे ट्रेन देखिए काफ़ी भरी हुई है ट्रेन। मेरे पिताजी ने एक बार एक बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए रात है बोले, लेकिन रात कभी होती नहीं है ना। तो आज मैंने वो जाना, क्योंकि अभी 10:30 बज चुके हैं, तकरीबन ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि रात का माहौल है, और पता नहीं अभी अभी भुसावर से हमारी ट्रेन थी पुणे की, लेकिन वहाँ पर भी डिलेस काफ़ी चालू, अभी इंडियन रेल से पता नहीं यार कैसे इतने डिलेज हो जाते हैं इसमें। तो अभी शायद अंधेरी या फिर कुछ तो भी थाने, कुछ तो भी भैया ने बोला है वो दोस्त ने कि वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ से हम ट्रेन लेके, पता नहीं एग्ज़ाम अटेंड हो पाएंगी भी नहीं, लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है। 4:30 हो चुके, आपको देखेगा भी नहीं, और क्लास में काफ़ी चेंज है। कल्याण जा रही है, अभी कल्याण से फिर 8:00 और 6:30 की शायद ट्रेन है, लोकल ही शायद है, फिर वहाँ से पुणे जाएंगे, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। एक मिनट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, द कूलेस्ट पर्सन, किसी की कोई झंझट नहीं, भी अपने इधर है वो, अभी मैं देख रहा हूँ हम 11:00 से वो सो के 11:00 से, और वो ऐसे यहाँ पे जो ना अपन बैग्स वगैरह रखते हैं वहाँ पे वो सोया है भाई। मेरे को तो ये जो है ना ये थिंग ये वाली काफ़ी चुभ रही है, इसको अगर मैं पीछे से ऐसा टेक रहा हूँ तो, और वो आदमी वहाँ पे पूरे 11:00 से सो के आए, अभी करीब करीब 11:02 होते का आए हैं। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। अभी हम पुणे के कौन सा ये स्टेशन, सॉरी कौन सा स्टेशन फिर, हाँ यहाँ पे देख सकते कल्याण, यहाँ पे कल्याण पे अभी हम 6:00 पहुँचे हैं। अभी यहाँ से पुणे की टिकट निकाली है, यहाँ पे जो कल्याण का है काफ़ी एटमॉस्फेयर अच्छा है, लोकल्स काफ़ी अच्छे तरीके से दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा स्टेशन पुराने ज़माने का लग रहा है हमारा, अपने अमरावती का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ठीक है अभी जाना तो है। से हेलो टू पीपल, हे आप अभी कौन से स्टेशन पर हो, आप अभी कौन से स्टेशन पे हो, पुणे
को जाने के लिए हम कल्याण से ट्रेन पकड़ी थी, तो वो शायद हमारा डिसीजन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो वहाँ से फिर हिल्स वहाँ से लगी कल्याण से होके, फिर हमने वहाँ पे काफ़ी सारे वो रहता है ना कि आती क्या खंडाला, वो खंडाला स्टेशन भी लगा था वहाँ पे, और जो हिल्स थी उनका जो क्या कहेंगे पानी गिर रहा था पहाड़ों से, वो काफ़ी देखने में मज़ा आ रहा था। टनल से होके जा रही थी ट्रेन, और एक डेक्कन क्वीन करके एक ट्रेन थी वो भी मैंने देखी, साला बहुत ही तगड़ी थी, उसमें मुझे एक बार तो भी देख बैठना है। डेक्कन क्वीन करके थी, मैंने उसके बारे में फिर रिसर्च भी करी थी, तो आप वो नज़ारा देखिए। और फिर तभी मेरे घर से कॉल भी आया था कि बोले गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, पानी भी बहुत चुका आ चुका है, और फिर खेतों के जो फसल। वहाँ पे जब आप टनल से होते हो तो काफ़ी लोग ऐसे चिल्लाते हैं वो करके, पता नहीं क्यों, तो वो भी काफ़ी मतलब मज़ा आता है सुनने में। यवतमाळच्या बेंबळा धरणाचे 10 दरवाजे उघडण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे। मम्मी ने कहा था कि कहीं भी जाओ ब्रश करना भूलना मत, तो मैं ब्रश कर रहा हूँ यहाँ पे। वो जो पीछे वाली ट्रेन है ना, वो इंडियन रेलवे की काफ़ी तगड़ी ट्रेन थी, मुझे पता नहीं उसका नाम, आपको पता तो कमेंट करिए उस पर। एसी के तो जैसे ही आप पुणे जंक्शन से एग्जिट करते हो, आपको एक तुकाराम करके एक बड़ा सा वाहन स्थल मिलता है, वहाँ पे सारे जो सारे वहाँ के बाइक से कार है वहाँ पे पार्क होते हैं, उसके नीचे से जो सारी कहेंगे आप, जैसे हमारे पास बडनेरा, और बडनेरा में जो क्या कहें सिटी बसेस लगती है उधर, फिर नवसारी, वहाँ पे उधर एक तुकाराम है, वहाँ पे सारे बसेस जो है वो लगती है, और वहाँ पे काफ़ी तरीके की बसेस है, मतलब अलग ही है, वहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक और सीएनजी पे चलने वाली है, और तगड़ी है वो सिस्टम उनकी। वहाँ पे मेट्रो भी है, रिक्शाज है, रिक्शाज भी काफ़ी ज़्यादा है, उनको शायद 3 ही सीट्स अलाउड है, तो उसी की वजह से कि नहीं वहाँ पे ट्रैफिक खूब बढ़ गई है, आदमी कम है वहाँ पे, आपको जो ट्रैफिक पब्लिक ट्रैफिक बसेस है, ऑटोज है, मेट्रोज है, वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। और वही मेरा एक प्रॉब्लम हो गया कि 14 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 2-2 घंटे लग गए, तो इतना वो 4 घंटे मेरे को आने जाने में लग गए, तो इतना वो फैसिनेट हो गया था ना मैं, कि अभी इसके बाद मुझे नहीं आना भाई इस पुणे में, क्योंकि मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ कि इतना ट्रैवलिंग में मेरे को झंझट उतनी नहीं चाहिए। तो और मैंने जब सिटी बस में बैठा, तो मुझे एक ऐसा थोड़ा नोटिस हुआ, मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो मैं पहले चढ़ा, टिकट निकाली, और फिर बैठ गया मैं सीट पे। अभी दो महिलाएं आई, लड़कियां थी वो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैठना है, तो मैं थोड़ा बाजू में सरक गया, हाँ बैठो आप। फिर उसके एक और दोस्ती मैंने लगा कि अच्छा ठीक है, ये भी साथ में बैठेंगी, तो मैं उठ जाता हूँ, लड़कियों की मतलब हेल्प करना आपकी मदद है, तो फिर मैं उठ गया, और मुझे काफ़ी मतलब अच्छा ठीक है, प्राउड भाई प्राउड, काफ़ी अच्छी काम किया आपने, ऐसे ही आपकी मदद करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे ऐसा लिखा था, मुझे नोटिस किया मैंने, अरे यार वहाँ पे लिखा था कि महिला ने करी था वहाँ पे राखी, मतलब वो जो सीट्स थी वो महिला की लेके रखी थी, तो फिर मुझे लगा भाई तूने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो सिर्फ अपना हक मांग रही है। तो वैसे आमतौर पर अपने इधर नहीं होता, जो सिटी बस है वहाँ पे ऐसा कुछ महिला की राखी नहीं हो, लेकिन उधर पुणे में है जो लेफ्ट साइड है, मतलब वहाँ पे ऐसे बस है, तो उसके लेफ्ट साइड में जो सीटीज है वो महिला के राखी है, तो वो आपको एक नोटिस करना पड़ेगा, आप वहाँ पे बैठ नहीं सकते, और फिर अब आपको लगेगा कि भी सारे सीट मतलब जो इधर की सीट है वो सारे मर्दों के लिए, तो वैसा नहीं है, इधर की जो लेफ्ट है वो सारे औरतों के लिए, और फिर इधर अगर कोई औरत बैठे तो आप उसको बोल नहीं सकते, तो ऐसा कुछ मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि भाई इधर लड़कियाँ ऐसा वगैरह, बस बता रहा हूँ इन जनरल कि ऐसा वहाँ पे सिस्टम है, और ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी ज़्यादा यूज गर्दी रहती है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मतलब पैमाने पर वहाँ पे सिटी बसेस है, तो इतनी गर्दी उसको दिखती नहीं बसेस के अंदर, लेकिन हाँ ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा गर्दी। Yeah.
बहुत बड़ी आप यहाँ पर राम क्यों देख रहे हैं, ये अभी पटना जाने वाले सभी लोग हैं मजदूर वर्ग जो बाकी बाहर स्टेट से आते ना, ये देखिए बहुत लंबी है, मेरा मेगापिक्सल भी ज़्यादा पहुँचेंगे नहीं उतनी लंबी ये लाइन है, और ये देख के काफ़ी मैं विवश फील करता हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे, एग्ज़ाम तो अच्छी गई नहीं, और लगे वो अलग, 1200 गए वो अलग, क्या करे भाई। एक एक ये तो कंफर्म है कि इसके बाद मैं पुणे आने वाला नहीं हूँ, एग्ज़ाम के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं। अगर मेरे को मिल भी जाएंगे ना गवर्नमेंट जॉब, मैं बोल रहा भाई रिज़ाइन, नहीं आ रहा मैं पुणे। नहीं भाई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आना मुंबई पुणे, ये जितने भी मेट्रो सिटी है, अरे भाई भाई इससे अच्छा खेती कर लेते भाई, खेती माँ कसम। यहाँ पे ऐसे अभी मेरा कैसा लग रहा है आपको आपके एग्ज़ाम दे के, हाउ आर यू फीलिंग माय ब्रदर, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, ये तो अभी पहला पड़ाव है, हाउ यू फील, कुछ तो बोलिए। चार्जिंग नहीं कहीं 3 टक्के चार्जिंग है, कुछ कहना चाहेंगे आप? बोला कौन है तो भाई ड्रॉप लग रहा है, रात में थोड़ा शूटिंग चल रही है, वो हमारे हॉस्टल की थोड़ा लाइट टीम है तो थोड़ा एडजस्ट करिए। तो लास्ट में फिर हमारे पास कि नहीं चार्जिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, लोकल में कैसा है अपने जो लोकल्स नहीं कहते शायद उसको ट्रेन से कहते हैं, और वो ट्रेन महाराष्ट्र एक्सप्रेस है, तो उसमें हम जनरल डब्बे में बैठे थे, तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आपको चार्जिंग पॉइंट मिलना तो करीब करीब नामुमकिन के ही बराबर है। तो थोड़ा सा एक मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताई इस जर्नी का, ताकि आप अगर कोई जर्नी कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा तकलीफ ना दे, तो कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको कि कैसे वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। जनरल से ट्रैवल करना चाहते तो एक सबसे मेरा बेस्ट उपाय ये रहेगा कि आप जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है वहाँ पर जाके ट्रेन को कैच कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मुंबई को एक जाती है ट्रेन CSTM ऐसी कुछ तो भी है, 6 बजे की है, तो अगर आप जनरल की टिकट लाते हो आप वो जो ट्रेन है ना वो हमारे अमरावती का जो मेन स्टेशन है वहाँ से निकलती है, तो अगर आप वहाँ पे जाकर उसको कैच कर लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर आपको एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको सीट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, फिर आपको जो पर्सनल पॉट है चार्जिंग के लिए वो भी ज़्यादा मतलब बन जाता है चांसेस, और वो रहता है अगर आप दूसरे स्टेशन से जाते हो, जैसे हम बनेरा से ही ले रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्दी हो गई थी बस क्या बोलते उसको कि सीट्स मिलने में। और दूसरी बात ऐसे कि साथ में जो है आपका पोर्ट जो चार्जिंग पावर क्या कहेंगे उसको पावर का रहता है ना वो उसका नाम नहीं आता अभी यूज़ ही नहीं किया, पावर बैंक, यस तो पावर बैंक आप आपका साथ रखिए, वो ज़्यादा रोल प्ले करेंगे आपकी इस जर्नी में, क्योंकि भाई ट्रेन में एक तो नेटवर्क का थोड़ा इशू हो जाता है, फिर वो मूवीज़ देखना है, फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पज तो वो होता है। तो और हाँ इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, मैंने ऐसा सोचा था कि भाई ट्रेन में थोड़ा सा रिवीजन वगैरह कर लूँगा, लेकिन घंटा नहीं होता भाई, मैं बता रहा हूँ ट्रेन में पढ़ाई नहीं होती, चाहे आप जनरल से जाए या फिर स्लीपर से, उसके ऊपर अपनी तो ऐसे भी नहीं जा रही कि फिलहाल तो स्लीपर से भी नहीं होता, क्योंकि अभी स्लीपर का भी ऐसा सीन है ना कि मोस्ट ऑफ द लोग आ जाते हैं या फिर अपने जैसे दोस्त लोग आ जाते हैं, तो वो फिर थोड़ा हो जाता है इशू, तो भाई पढ़ाई नहीं होती सफ़र में। हाँ वीडियो लेक्चर आप कर सकते हैं, कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह पढ़ सकते हैं मोबाइल में अगर, लेकिन आप ऐसे सोच रहे कि नोट्स वगैरह हाथ में लेके या फिर बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो काफ़ी थोड़ा मतलब हो सकेगा, लेकिन नियरली थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि पढ़ाई नहीं होती, रिवीजन जो भी अभी यहाँ से ही कर लीजिए, और वीडियोज़ में अगर आप वीडियोज़ के फॉर्मेट में ज़्यादा करें या फिर कोई ऑडियो वगैरह आपने बनाए रखा है तो वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं कान में ईयरफोन डाल के, और बैटरी का इशू रहता ही है तो बैटरी रख लीजिए। फिर मील्स का एक प्रॉब्लम है, जो मील्स है ना मतलब अपना जो खाना है अगर आप घर पे रहते तो काफ़ी अच्छी बात है, मम्मी से जो कहेंगे क्या कहेंगे उसको आलू का पराठा वो तो बनाए लीजिए 2-3 डब्बे, ताकि वो सफ़र में आपके साथ के दोस्त और आप खा सको और इन्जॉय कर सको, क्योंकि देखिए ट्रेन अभी ट्रेन का तो आपको पता ही है कि हर एक क्या कहेंगे बड़े स्टेशन पे वो रहते हैं ना कि समोसा ले लो कचौरी ले लो, तो वो नहीं खाना, मैं तो बता रहा हूँ कि वो हाइजीनिक नहीं रहता। और फिर वाटर बॉटल्स का भी रहता है जो रेलवेज देते हैं ना कि वो बॉटल्स में तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, वो
एक्वा का है भी या नहीं, उस पर ट्रीटमेंट अच्छी हो तो साथ में आपका दो दो लीटर की एक दो हेवी हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन रखिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर वो खाकर आपकी अगर थोड़ी तबीयत इधर उधर हो जाती है तो फिर उससे ज़्यादा आपका मतलब वो खर्चा दवा करने के लग जाएगा। टॉनिक्स जो है आपकी वो तगड़ी रखिए, मैं बता रहा हूँ जितना आप अपनी पढ़ाई में ये सब प्लान करके रखते हो वैसे ही आपका जो जर्नी है वो भी प्लान करनी चाहिए जब आप ट्रेन से करें, क्योंकि ट्रेन का जो डिले होता है और फिर जो नंबर ऑफ थिंग्स होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हम एक पुणे हमसफर नाम के ट्रेन से जा रहे थे, तो फिर हम वहाँ पे जाके जब ट्रेन की वो जो जनरल की टिकट कितनी है तो फिर हमको पता चला कि साला ये जो है इसके जनरल की डब्बे नहीं है, तो फिर वो आपत्ति हो गई। फिर हमने वाकई दिमाग लगाया कि क्या करें क्या नहीं, फिर वहाँ से भुसावर जाने का प्लान हुआ, फिर भुसावर से हमको पता चला वहाँ पे आने के बाद मतलब कि ट्रेन में ही, तब हमने समझा कि वहाँ से ट्रेन से नहीं है अवेलेबल, फिर हम गए कल्याण, फिर कल्याण से तो समझ रहे कि आप क्रोनोलॉजी समझे कि आपको आपके जगह पे जाना है तो आपको पहले ही प्लान करना है कि कहाँ से ट्रेन कहाँ पर निकलनी है, कितने टाइम पर पहुँचोगे आप और फिर वहाँ से कितने अवेलेबल है। एक बात तो आप ध्यान रखिए कि आप कभी इस ट्रेन के सफ़र में घूमेंगे नहीं, मतलब कि आपका दिमाग घूम जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको तरीके आने चाहिए कि कहाँ से आपको कहाँ की ट्रेन मिलेगी। अभी हमारे भुसावर हम जब पहुंच रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ से ट्रेन अवेलेबल नहीं, फिर हमने नेक्स्ट स्टॉप देखा कि नेक्स्ट वाला जो बड़ा स्टॉप है वहाँ से हमें पुणे की मिलेगी, तो हमें कल्याण दिखा, तो फिर हम कल्याण को चले गए उसी ट्रेन से, फिर कल्याण से चेंज। समझ रहे ना आपके मैं क्या बता रहा हूँ, कि डरने की बात नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि आपको कहाँ से पॉसिबिलिटीज है आपके जगह तक पहुँचने की। थोड़ा फ्रेंडली आपको बता देंगे हर चीज़ें कहाँ से कहाँ जाना है ऐसा वगैरह, कंडक्टर के साथ थोड़ा सा मतलब अच्छे से ही बर्ताव करिए और मराठी में बोलिए, काफ़ी ज़्यादा ऐसा माझ्या सारखी तुम्ही हिंदी नका बोलू मराठीतच बोला, जेव्हा पुणे आणि मराठाला साईडला जातात तर तिथले लोक थोडे हे असतात, पण तरी काही होत नाही, असं काही नाही की आपण हिंदीत बोललं तरी चालेल, पण प्रेफर करा कारण की तुम्हाला मराठी येते, आपण महाराष्ट्रीयन आहोत तर हे खूप चांगलं आहे जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसोबत मराठीत बोलताय तो तुम्हाला अजून चांगल्यांनी सहायता करेल। मला तर तिथे खूप साऱ्या जणांनी याच याच्यावर केलं, जशा पद्धतीने मी बोलत होतो तर ते मला गाईड करत होते। तिथे थोडंसं खाण्याचा थोडासा इशू राहील कारण की खाणं जे आहे तिथे थोडंसं आपल्यासारखं नाही आहे, मिसळपाव तुम्हाला जर आवडत असेल मे बी तर ते ट्राय करू शकता, तिथे एक सुप्रसिद्ध असं ते काय करतं त्याला की फूड आहे ओके, आणि जेवण थोडं स्वस्तच आहे, पण मी तर जास्त प्रेफर नाही केलं तिथे जेवण, आम्ही थोडंफारच खाल्लं आहे आणि नंतर मग पुन्हा येऊन आम्ही हॉस्टेलला जेवला येतात। प्रयत्न करा की कमीच तिकडे हे करसाल, ट्रॅव्हल थोडासा खूप इश्यू आहे तिथे, मला तर इतकं घाणेरडा हे झालं आहे तिथे एक्सपिरियन्स, तर मी बघत आहोत त्याला की अवॉइड करू, आणि नंतर मग जायचं असेल तर खूप चांगली प्लॅनिंग करा कारण की ट्रेन्सचा जो डिले आहे तो फार जास्त आहे। ट्रेन जसं बघा की आता तुम्ही एखाद्या ठिकाणी पोहोचत आहात आणि तुमची ट्रेनची प्लॅनिंग असते की 1 घंटा समोर मागवत आहे तर नाही होणार तुमचं पोहोचणं, मी खरंच सांगतो तुम्हाला जर त्या ठिकाणी पोहोचायचं असेल तर ॲटलिस्ट तुम्ही 5 घंटे 8 घंट्याचा तरी डिलेज समजा ट्रेन्सचा, कारण की महाराष्ट्र एक्सप्रेस एक मी तर सांगितलेला जर प्रवास करायचा असेल तर निश्चितच अवॉइड करा, दुसरे जे सुपर फास्ट असतात त्याचा थोडा पैसा लागेल पण जाऊ द्या तो, कारण की तुमचा टाईम इम्पॉर्टंट आहे तो पैसा इतका नाही, तर हे आठवण ठेवा महाराष्ट्र एक्सप्रेसने ट्रॅव्हल नक्कीच नका करू, आणि बस अटेंड अशीच आमची जर्नी होती आणि प्रयत्न करा की एक आपल्या जवळचं सिटी सेंटर भेटून जाऊ आणि अवॉइड करा लॉंग ट्रॅव्हल करणे ॲटलिस्ट परीक्षेसाठी तरी, आणि चला भेटूया पुढल्या अशाच एखाद्या व्हिडिओमध्ये ज्यामध्ये आपण डिस्कस करू माझी अशी एक जर्नी छोटीशी आणि तुम्हाला काहीतरी फायदे असणाऱ्या या गोष्टी। चला भेटूया, गुड नाईट।